वेलकम बैक दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पीडीएफ कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक पीडीएफ इन वेरी इजी वे। आप एक सिंपल फोटो क्लिक करके उसका पीडीएफ कैसे बना सकते हैं, पीडीएफ में कोई फाइल को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजों के लिए मैं ऑल इन वन आपको एक ऐप बताने वाला हूँ जिससे बहुत आसानी से आप पीडीएफ बना सकते हैं। तो माय नेम इज अनुराग एंड यू आर वॉचिंग कोचिंग साइट। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ऐप किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है न्यू पीडीएफ कन्वर्टर। क्या सर्च करना है आपको? न्यू पीडीएफ कन्वर्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, यानी कि बेसिकली आपको यही ऐप डाउनलोड करना है। इसकी लिंक मैं आपको दे भी दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपको इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल कर दीजिए। ये जो ऐप है, सिर्फ आपको यही ऐप डाउनलोड करना है क्योंकि इससे बहुत आसानी से आप पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग एडोब का यूज करते हैं, देखिए जैसे ऑप्शंस में आ रहे हैं स्कैन वगैरह करके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इससे आप बहुत कंफ्यूजन रहता है आपको, लेकिन इससे बहुत आसानी से आप पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पीडीएफ कन्वर्ट करने का मैं बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। हम जब तक अपने स्क्रीन में जाते हैं और देखते हैं, ये हमारे स्क्रीन में न्यू पीडीएफ कन्वर्टर आ गया होगा। ये देखिए न्यू पीडीएफ कन्वर्टर स्क्रीन में आ गया, इसको ओपन करना है। अब इसको ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, अगर कोई भी पीडीएफ बनानी है तो ये तो स्किप कर लीजिए सारी चीजें, ठीक है, अलाउ कर दीजिए इसको, जो भी परमिशन मांग रहा है। उसके बाद आपको सिर्फ पीडीएफ बनाना है, ठीक है। तो पीडीएफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल है, इमेज टू पीडीएफ में जाइए। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट इमेज करिए। सेलेक्ट इमेज करेंगे तो गैलरी आपके पास ओपन हो जाएगी। याद रखिएगा, जिस सिक्वेंस में आपने फोटो खींची है उसके अपोजिट सिक्वेंस में फोटो यहाँ पे होती है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने इसकी फोटो खींची है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ऐसे करके एक एक करके फोटो खींचती है, 1, 1, 2, 3, 4 ऐसे पीछे से फोटो लगती है। तो अगर आपको पीडीएफ बनाना है, मान लीजिए कि 1, तो यहाँ पे नंबर भी लिखते जा रहे हैं 7, ठीक है। तो इस तरह से आप पेज का कन्फर्मेशन भी ले सकते हैं कि किस तरीके से। तो मान लीजिए मेरे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इमेजेस की मुझे पीडीएफ बनानी है, तो मैंने 10 को सेलेक्ट किया, श्योर किया, यहाँ पे श्योर किया। यहाँ पे फिर आपको करना है क्रिएट पीडीएफ। अब यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे राखी कलेक्शन, तो राखी कलेक्शन, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको नाम लिख दिया। उसके बाद ओके किया तो ये हमारी पीडीएफ बन गई। अब पीडीएफ बन गई तो आप यहाँ पे ओपन पीडीएफ करिए, ओपन पीडीएफ करिए यहाँ पे, तो आपकी पीडीएफ आपकी ओपन हो जाएगी। देखिए ये पीडीएफ आपकी ओपन हो गई, दिख रही है आपको? देखिए ये पीडीएफ कितनी बढ़िया है, ओपन हो गई पीडीएफ। अब आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड होकर कहाँ चली जाएगी, ये डाउनलोड होकर चली जाएगी आपके कहाँ पे, सीधा फाइल में, वहां पे आप जिस नाम से सेव किया आपने, आपको वो नाम मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपकी ये पीडीएफ बनके रेडी हो गई। अब अगर ये पीडीएफ की आपकी साइज बड़ी है तो आपको करना क्या है, अगर पीडीएफ की साइज आपकी बहुत बड़ी हो, अब आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल क्रोम में और यहाँ पे पीडीएफ को छोटा करना है साइज आपको, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ साइज कई बार बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप सर्च करिए पीडीएफ कंप्रेसर, क्या पीडीएफ कंप्रेसर, ऐसा करके सर्च करना है। तो देखिए सबसे पहली लिंक ये आ रही है ilovepdf.com, आपको इसमें ही क्लिक करना है। ये मैं सबसे बेस्ट वे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें क्लिक कीजिए, सेलेक्ट फाइल पूछ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल में जाइए, यहाँ पे फाइल में जाइए और सबसे पहली फाइल ही दिखेगी आपको, जहां तक ये देखिए राखी कलेक्शन दिख रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए इसमें मैंने सेलेक्ट कर दिया जैसे ही, तो आपको क्लिक करना है कंप्रेस पीडीएफ पे। कंप्रेस पीडीएफ हो गया आपका। अब देखिए पीडीएफ कंप्रेस हो रहा है हमारा। अब उसके बाद करना क्या है, ये देखिए मेरी जो पीडीएफ थी वो थी ये 326, हालांकि मेरी पीडीएफ बहुत छोटी पहले से ही थी इसलिए छोटी हो गई, लेकिन अगर आपकी पीडीएफ 100 MB की बन रही तो 100 MB की पीडीएफ आपकी 2 MB में कन्वर्ट हो जाएगी इधर से। उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड पीडीएफ करना है, डाउनलोड कर लीजिए, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ये आ गई। उसके बाद आपको सेंड करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक जाइए, सेंड फाइल में जाइए और सीधा जाके व्हाट्सएप में आप इसको सेंड कर दीजिए जिसको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।